हेलो वेलकम टू आवर चैनल प्रीति कुक्स एंड क्राफ्ट। आई एम मिस प्रीति। मैं हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक नए क्राफ्ट के साथ आई हूँ। लास्ट टाइम हमने एक ओल्ड फर्नीचर को डेकोरेट करना सीखा था, एक स्टूल को। अब मैं चेयर के साथ आई हूँ, जो हम पुरानी ओल्ड चेयर को हम नए तरीके से डेकोरेट करेंगे। सो लेट स्टार्ट नाउ। मेरे पास दो कलर अवेलेबल है, येलो एंड ग्रे। मैं सेंटर पार्ट में येलो लूंगी। हम सभी के अपने दादाजी नानाजी के टाइम की चेयर्स फर्नीचर्स रहता ही है। हम इसको थोड़ा सा रिनोवेट करके एक न्यू लुक दे सकते हैं। देन वी शेड विथ ग्रे कलर। ग्रे कलर के साथ हम इसको शेड देंगे। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं इधर भी ग्रे कलर ही लूंगी। डोंट फॉरगेट द एजेस। मैं आप लोगों को बताने के लिए अभी फास्ट कर रही हूँ, आप एजेस पे भी लेंगे। अच्छा, हम चाहें तो यहाँ पर फिर से हम येलो और ग्रे कलर का शेडिंग ले सकते हैं, लाइक दिस। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में येलो लिया है, देन मैं यहाँ से ग्रे शेड लूंगी। द सेम प्रोसेस इन दिस साइड। ऑलमोस्ट डन अवर ऑल साइड्स। दिस साइड भी अप्लाई ब्लैक कलर।
There is done almost. Now we decorate by the help of a stencil. This type of stencil available in the market. And this type of brush is available in the market for stencil work only. We use white color, not much color we apply, extra color. Like this. Now this is done. There is a complete matte finish makeover of wooden chair. Okay friends, I hope you like my video. So please you subscribe, like and share. Thank you. Phir milenge ek naye craft aur ek naye art ke saath. Thank you.